चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के परिवहन और खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली साहब। बाली साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एमएचवन न्यूज पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नगरोटा में जो आपने एक बड़ी रैली की, क्या था इस रैली का मकसद? इस तरह से आपने कहा सीएम को धन्यवाद देना था, लेकिन खुद सीएम इस रैली में नहीं पहुंचे, और कितना सफल आप मानेंगे इस रैली को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जो रैली नगरोटा में हुई, वो युवाओं को एक लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो लिखा गया था कि 1000 रुपया प्लस टू बच्चे जो कर चुके होंगे या उनसे ऊपर, और जो अक्षम है उनको 1500 रुपया, तो ये हम चाह रहे थे कि जो मैनिफेस्टो, मेरा ये मानना है कि जो मैनिफेस्टो हम लेकर के जनता के बीच में जाते हैं वो कागज का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, वो मीनिंगफुल हो। और जब हमने ये कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनी, तभी जो मैनिफेस्टो था उसको नीतिगत दस्तावेज मान लिया गया। जब एक चीज को आप नीतिगत दस्तावेज मान लेते हैं तो आम जनता विश्वास करती है कि जो हमने लिखा है उसको, जो 5 वर्ष का समय मिला है उसके बीच में उसको पूरा करेंगे। तो माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी, बजट में माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 150 करोड़ रुपया रखा। तो ये फैसला किया गया था कि वहाँ पर धन्यवाद रैली करके माननीय वीरभद्र सिंह जी का, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड का, कांग्रेस अध्यक्ष का, जिन जिन लोगों ने इसमें साथ दिया उन सब का धन्यवाद करेंगे जी। और उसमें पूरे प्रदेश से, चाहे भरमौर हो, किन्नौर हो, मंडी, कुल्लू, चंबा, ऊना, हमीरपुर, हर जगह से नौजवान जो थे वो पहुंचे थे, और उसका उन्मूलन करना कि कैसी रैली थी जी, वो MH1 के पत्रकार वहाँ पर लाइव उसको कवर कर रहे थे जी। तो उनकी उनकी मार्फत आप पूछ सकते हैं कि कैसे असेस करते हैं। बिल्कुल, मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो ग्राउंड है, ये धर्मशाला में जो हमारा सबसे बड़ा पुलिस ग्राउंड जिसको हम गिनते हैं उससे तकरीबन 50% और बड़ा है जी, और ग्राउंड जकाजक आम आदमियों से भरा था, नौजवानों से भरा था, और बाकी लोग आ जा रहे थे, पूरा बाजार और सड़क भरी थी। मैं उनका धन्यवाद दी हूँ कि जिन्होंने सिर्फ मेरी कॉल के ऊपर इतनी तादाद में पूरे प्रदेश से लोग पहुंचे, मैं उनका धन्यवाद दी हूँ। बिल्कुल बाली साहब, एक बात और भी है कि जब रैली में, जैसे आपने बताया कि हमारे पत्रकार मौजूद थे, एक एक चीज बड़े ध्यान से देख रहे थे, वहां पर नारे लग रहे थे कि जीएस बाली के वास्ते खाली कर दो रास्ते, तो इन नारों का क्या मतलब था? आखिरकार आपके समर्थक क्या चाहते हैं? नौजवानों की भावनाओं के बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि नौजवानों की जो भावनाएं हैं उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, ये उनकी अपनी भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, मगर हर चीज का एक स्थान और एक जगह और एक टाइम होता है। बिल्कुल बाली साहब, सुखविंदर सिंह सिक्खू कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भी रैली में पहुंचे थे, आपकी तारीफों में कसीदे बहुत लंबे पड़े, और एक खास ऐलान किया जो इस वक्त हिमाचल की सियासत में बहुत चर्चा हो रही है उस बात की कि जीएस बाली को आने वाले वक्त में बहुत महत्वपूर्ण रोल मिलने वाला है। आप कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े विभाग आपके पास हैं, लगातार आप काम भी अच्छे करते रहते हैं, और कौन सा महत्वपूर्ण काम आपको कांग्रेस पार्टी देने वाली है? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो कहा, उन्होंने, हमारे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, अध्यक्ष जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण गरिमा में उनकी कुर्सी होती है,
और ये सरकार जो है ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पार्टी, सरकार और कार्यकर्ता पार्टी बनाते हैं। जो उन्होंने कहा कि अहम भूमिका होगी, सबसे बड़ी अहम भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में होती है, मेरे ख्याल में उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि एक कार्यकर्ता के रूप में भी महत्वपूर्ण रोल मैं निभा सकता हूं। बाली साहब, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में तो रोल आप निभा ही रहे हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, मतलब कुछ खुलकर बोलिए। देखिए, मैं काफ़ी समय से इलेक्टेड AICC का मेंबर हूँ। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, माँ चमंडा के आशीर्वाद से, जब नगोटा की जनता ने मुझे विपरीत स्थितियों में भी जिता करके भेजते हैं, वो हाईकमांड ने मुझे सदा अपना आशीर्वाद दिया है। तो मैं सुखविंदर जी के मन में क्या बात है उसके बारे में यहाँ उसका विवरण नहीं कर सकता हूँ, मगर जो भविष्य है, भविष्य के गर्भ में क्या है उसके बारे में कोई नहीं जानता। बाली साहब, जिस तरह आपने बताया कि ना महफिल में होंगी ना मेले में होंगी, आपस की बातें अकेले में होंगी, आपके और सुखविंदर जी के बीच की बात है, इसका जिक्र आप यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, लेकिन इतनी बड़ी आपने रैली की, इतने लोग इकट्ठे हुए आप बता रहे हैं, लेकिन जिनको धन्यवाद देने के लिए आपने रैली की वो क्यों नहीं पहुंचे आखिरकार? मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कहाँ थे? मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने, उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं श्री स्वाचल ओबालिया जी, जब विधानसभा, कई दिनों से मुझे वो कह रहे थे कि आप अपने विधानसभा में माननीय वीरभद्र सिंह जी का प्रोग्राम रखवा लें, तो उनसे जब बातचीत हुई, एक डेट म्यूचुअल तय हुई थी 12 तारीख, उस दिन उन्होंने वादा किया था आने का, अब वो जाने क्यों नहीं आए, मैं इसमें कोई ज़्यादा इसको महत्व नहीं देता हूँ कि आए नहीं आए, हमने धन्यवाद किया, इसको ज़्यादा महत्व देता हूँ, मैं इस बात को महत्व देता हूँ कि उन्होंने बेरोजगारी जो सम्मान है बच्चों को देने में अपनी भूमिका निभाई है। मैंने तो कहा है कि गाय बगाए जिन लोगों ने इसका विरोध भी किया है दबे मन से, मैं उनका भी धन्यवाद दी हूँ कि एक ये बड़ा मुद्दा था, आज प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है और उसके तहत तकरीबन 2 लाख बच्चों को इसका लाभ होगा, जो तकरीबन 3,500 पर विधानसभा क्षेत्र, तो वो आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं चुनाव में भी और उसके बाद हिमाचल की राजनीति में। बाली साहब, भोरंज विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आया है और आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हालांकि बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन सीएम वीरभद्र सिंह ने खुद वहां पर कमान संभाली थी, प्रचार की, कैबिनेट के तमाम मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद हार मिली है आपकी पार्टी को और कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसका कहीं ना कहीं सेमीफाइनल यह है, तो आपको लगता है कि इस हार का असर पड़ेगा आने वाले चुनावों में, लोग ध्यान देंगे इस पर? देखिए, मैंने यही कहा, पहले मेरा पहला क्वेश्चन था वो पूरा नहीं हुआ, मैंने जो कह रहा था इन कंटिन्यूटी में बता रहा हूँ कि ये मुद्दा, ये लोग अपनी भूमिका निभाएंगे, मगर मेरे लिए ये मुद्दा कभी राजनीतिक नहीं रहा, ये सोशल मुद्दा है मेरे लिए जी। और मैंने अगला एजेंडा भी रख दिया है, अगला एजेंडा ये रखा है कि हमें अब जो बच्चे बच गए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, और जो मैट्रिक वाले हैं 2 लाख के कम आय वाले उनके बारे में सोचना चाहिए, जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको 3 साल करने का सोचना चाहिए, हमें जो बच्चे कई सालों से आउटसोर्स पे लगे हुए हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन देने की बात करना चाहिए, उनको कैसे हम लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि उनको ठेकेदार एक्सप्लाइट ना करें, उनको आउटसोर्स वाले एक्सप्लाइट ना करें, वो लेते 25,000 हैं आगे देते 8,000 या 10,000 हैं, ये एक बड़ी सीरियस बातें हैं, इनके ऊपर सोच विचार करने की जरूरत है, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बातें रखी हैं। बिल्कुल, भोरंज विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का आने वाले, और जो आपने बात भोरंज की जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, जो भोरंज की आप बात कर रहे हैं, भोरंज चुनाव में जो प्रत्याशी ये थी इसके ऊपर ही कंसेंसस हुआ था, और उसके बाद कैसे बदल करके किसी और को दिया गया और फिर इनको दिया गया, इससे भी कुछ फर्क पड़ा, कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता
हताश हो जाते हैं इन बातों से। और मैंने, अगर मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपके पास उसकी क्लिपिंग हो, जब मैं पहले दिन वहां गया था हमीरपुर, मैंने तभी कहा था कि हमारी स्टार कंपेनर भी परिमला जी हैं और वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो अगर परिमला जी का और बीजेपी में दूसरी तरफ से धूमल साहब उसको इलेक्शन को लीड कर रहे थे, तब तो डेफिनेटली आपको दोनों पलड़ों को एक साथ रख के देखना पड़ेगा। जो दूसरी बात आपने कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, कैबिनेट मिनिस्टर भी गए, मैं समझता हूं कि यहां पर कहीं पर हमारी चूक हुई कि हमने इसको एक बड़ा इलेक्शन में काफी लोग झोंक दिए। अगर इसको लो प्रोफाइल रहने देते तो इसके नतीजे अलग होते। भाली साहब, एक बहुत बड़ा काम आपने किया, तमाम आपके विभागों की तरफ से काम हो रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ा काम आपने किया, आपकी जो संपत्ति है उसकी घोषणा की है, एक तरह से नई शुरुआत की है। आपका मानना है कि जो भी मंत्री बने वो अपनी संपत्ति की घोषणा करें, इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी चाहते हैं, आपकी पार्टी लड़ना चाहती है, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों के पास संदेश जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लगता है कि ये जरूरी नहीं है, आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर्सनल तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी उनको बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। जितनी मेरी उम्र है उतना तकरीबन वो राजनीति में हो गया उनको समय। हम लोगों को 30 वर्ष हो गए तो उनको 60 वर्ष हो गए, तो उनका मानना जो है वो किसी समय पर ठीक रहा होगा। आज टाइम आ गया है कि लोग ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, और उनको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया। मेरा निर्णय बाकियों के ऊपर बाध्य नहीं है, वो जो निर्णय लिया मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया, मेरी अंतरात्मा से लिया हुआ डिसीजन है। जो मेरे पास है वो कानून के सामने होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो मुझे लोगों में बताने में हर्ज क्या है। और कोई भी व्यक्ति लीगली बिजनेस करके अदरवाइज अपना जीवन वो कर सकता है, और उसमें राजनीति को हम प्रोफेशन ना बना करके कुछ और प्रोफेशन करके अगर हम कुछ ना कुछ कमाते हैं और अच्छा जीवन बताते हैं तो उसमें मैं हर्ज नहीं समझता हूँ। चलिए बिल्कुल, बाली साहब बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हमारे साथ आप बने रहिए, और ब्रेक के बाद हम जीएस बाली साहब से बात करेंगे कि उनके विभागों में इन 5 सालों में हुए हैं कौन कौन से काम और वो अपने किस काम को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद भी जीएस बाली साहब से हमारी खास मुलाकात लगातार जारी रहेगी।